I've been high. कोई भी इसको देखता ना तो एकदम पिघल सा जाता है ब्लैक कलर देख के, तो ये बात। हाय गाइस, मैं हूं जय चौधरी। आज आपके लिए भाई सेवन सीटर में सबसे बेस्ट कार लेकर आए हैं, अपनी ऑल न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा। ZX ही वेरिएंट है, स्पेशली ब्लैक कलर आपके लिए लेकर आए। वही भी यार देखो, फैमिली के हिसाब से अगर सेवन सीटर कार लेने का प्लान करता है तो अर्टिगा तो अपने दिमाग में आती है, चाहे अपन माइलेज की बात कर लो या फिर कंफर्ट की बात कर लो, सबकी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो जैसा कि अपना पेट्रोल मिनरल वेरिएंट है ZX, तो ये हमारी सिटी में कंप्लीट ऑन रोड 12.5 लाख रुपये के आसपास पड़ रही है। बाकी आपको और भी कुछ इन्क्वायरी लेनी हो तो आप यू कार्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं गाइस अपने उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। जय श्री महाकाल भाइयों। बाकी आप कार सिटी देख रहे हो, एक बार कॉमेंट करके आप जैसे बताना। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स तो बनता ही है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और गाइस ये गाड़ी आपके लिए कैसी का चॉइस होने वाली है, सारी बात अपन डिटेल में करेंगे। बाकी कार की आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसी कुछ आपको अपनी बेसिक सी की मिल जाती है, लॉक अनलॉक का अपने को बटन देखने को मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यार, आप ब्लैक कलर के लुक चेकआउट करो, कितनी ज़्यादा जोरदार लगती है। इसमें अपने जितने भी कलर आते हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा अपीलिंग यार ब्लैक कलर ही लगता है। कोई भी अगर फैमिली के हिसाब से अपनी अर्टिगा लेने का प्लान करता है ना, तो मैं तो देखो यही रिकमेंड करता हूँ कि यार भाई ब्लैक कलर लो। ये व्हाइट कलर के साथ तो आपको पता ही कि क्या सीन है, काफ़ी लोग अपने टैक्सी भी करते रहते हैं, इसलिए ब्लैक कलर तो भाई फैमिली के हिसाब से सबसे बेस्ट है। क्या गजब की लगती है, ये जब रोड पर चलती ना तो एक नंबर रोड प्रेजेंस आता है। और फ्रंट प्रोफाइल से भी आप अपने लुक्स चेकआउट कर सकते हो। भाई ग्रिल आप देखोगे तो ये भी बढ़िया अपने क्रोम फिनिश के साथ आ जाती है। बीचों अपना सुजुकी का लोगो है और यहाँ भी आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिलेगा। और हेडलाइट्स की अपन बात करें तो आपको इसमें हेलोजन भी अपना प्रोजेक्टर आ जाता है, और साथ ही में अपने को रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन लाइट भी इसमें दे रखी है। और साइड अपना इंडिकेटर है कि आप देखोगे तो आपको फोग लैंप भी मिल जाते हैं। बाकी ये जो है ना, ये अपने एसेसरीज में अपने लगाए गए हैं। फाइनली अपन मेन हर्ड की बात करते हैं, जिसके कारण ही तो यार ये गाड़ी धनाधन अपनी बिक्री है। आपको काफ़ी अपना ट्रस्टेड और अपना रिफाइंड इंजन अपने को मिल जाता है। 1.5 लीटर का आपको इसमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 102 BHP की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क। आप ये गाड़ी चलाओगे तो मतलब इतनी स्मूथ अपनी चलती है ना, जहाँ मारुति के इंजन की बात रहती है तो काफ़ी अपने रिफाइंड और रिलायबल तो अपने रहती ही है। बढ़िया, अगर 7 लोग भी बैठ जाते ना फिर भी ये गाड़ी अपने अच्छा परफॉर्म करती है। तो आपको इसमें अपना पिकअप वगैरह भी सब अपना अच्छा ही मिल जाता है। और सबसे मेन बात तो ये देखो, भले ही अपनी पेट्रोल वाली है फिर भी आपको अपना काफ़ी अच्छा माइलेज दे देगी। अपना कंपनी देखो अपना 2021 के आसपास अपना क्लेम करती है, फिर भी आप मान के चलो कि सिटी में आपका 15, 16, 17 का माइलेज तो अपना कहीं भी नहीं जाएगा। और हाईवे आप प्यार चलाओगे तो फिर अपने 21-22 का भी दे देगी। और CNG में तो अपन क्या ही बात करें, CNG रेंट में तो अपने को और अच्छा माइलेज मिल जाता है। उसमें तो कंपनी अपना 26-27 का अपना क्लेम करती है, तो उतना गाड़ी माइलेज देती भी है। यूनिट का वेट का बात करूँ तो यार थोड़ा हेवी तो है, अगर अपन स्विफ्ट वगैरह दूसरी से कंपेयर करें तो उनसे तो हेवी है। बस ब्रेजा से मुझे थोड़ा अपना हल्का लग रहा है, बाकी इन सबसे तो अपना हेवी है। तो बिल्ड क्वालिटी देखो अपनी, वही अपने 3-स्टार रेटेड है। साइड प्रोफाइल से भी आप लुक चेकआउट कर सकते हो, क्या खतरनाक वाइब देती है यार यहाँ से भी। बस ये तो है कि आप ब्लैक कलर लगता तो बहुत बढ़िया है, बाकी आपको अच्छा खासा इसको मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा। तो चलो फाइनली अपन इसके टायर प्रोफाइल वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें आपको अपने 185x65 R15 15 इंच के आपको इसमें ट्यूबलेस स्टार्स आ जाते हैं। और अलेविस की डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, ये भी अपने काफ़ी अच्छे लगते हैं। और स्पेशल यार ये ना ब्लैक कलर पर अपने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ब्रेकिंग में आपको बताऊँ तो फ्रंट में आपको इसमें अपनी डिस्क आ जाती है, और सस्पेंशन आपको वही अपने फ्रंट में MacPherson स्टड्स आ जाते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ऐसा कुछ अपना इशू आएगा नहीं, ऐसा कहीं हर कहीं तो आपकी गाड़ी नहीं अड़ेगी, सस्पेंशन अपना दे रखा है। गियर में तो गाइस आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आते हैं, और टॉर्सन बीम विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन अपने को आ जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको बढ़िया मिल जाती है, 45 लीटर्स की है, तो ये भी देखो अच्छी चीज़ है। और एक और ख़ास बात मुझे लगती है, तीनों ही ग्लास आप देखो कितने अपने बड़े दे रखे हैं, तो अंदर अपन बैठते ना तो अच्छा खुला खुला केबिन अपने को मिलता है। तो अपन अभी अंदर चले गए ना तो वो भी सब आपको डिटेल में तो बताएंगे सही। तो अपना चलो साइड का भी सारा कवर हो गया है, अपन फाइनली इसके बैक फ्रंट पर चलते हैं। यहाँ से आप देखो यार कितनी खूबसूरत लगती है आप ब्लैक कलर, सच में मतलब कोई भी इसको देखता ना तो एकदम पिघल सा जाता है ब्लैक कलर देख के, तो ये बात तो। अभी मैं जैसे वीडियो भी बना रहा था ना तो 2-3 लोग आए बोले अरे यार ब्लैक कलर की बात तो अलग ही रहती है। और टेल लाइट की डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, ये आपको उसमें LED में आ जाती है। बाकी तो अपने को सब हेलोजन में अपना सेटअप दे रखा है, रिवर्स लाइट इंडिकेटर। बाकी रियर में भी आपको सब कुछ अपना मिल जाता है, वाइपर वॉशर डिफोगर सब कुछ आपको अपना मिल जाएगा। ऊपर अपना स्टॉप लैंप है, और स्पॉइलर तो नहीं है, स्पॉइलर आप जरूर से लगवा लेना। स्पॉइलर लगवा लेते ना तो लुक अपना थोड़ा और इनहांस हो जाता है, हमें रूफ रेल्स स्पॉइलर लग जाता ना तो लुक और अपना सही आता है। और बाकी पीछे आपको देखो इसमें कैमरा वगैरह भी इसमें सब अपना दे रखा है, 2 पार्किंग सेंसर अपने को मिल जाते हैं, और दोनों तरफ आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और नीचे अपना हुक भी दे रखा है, टोइंग हुक की ज़रूरत तो देखो मारुति गाड़ियों में पड़ती नहीं है। ऐसा बहुत ही कम होगा कि यार ये गाड़ी आपको कहीं पर धोखा दे जाए, एकदम भरोसेमंद गाड़ी अपनी रहती है। लोग मतलब लाखों किलोमीटर अपनी चल लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। 2-2, 3-3 लाख लोगों ने अपनी अर्टिगा चलाई है, मेरे खुद के दोस्त के पास है 2.5 लाख, उसने अपनी अर्टिगा चला ली है। वो दिखाते हैं बूट
बूट स्पेस। अब पेट्रोल वाली लोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया अपनी बूट स्पेस मिल जाएगी, बाकी सीएनजी वाली में थोड़ी अपने कम मिल जाती है, उसमें अपना टैंक का इतना हम रहता है तो अपन ऊपर ऊपर की स्पेस यूटिलाइज कर पाते हैं। और पेट्रोल में तो आपको अच्छी खासी अपनी मिलने वाली है, यहाँ नीचे भी आप अच्छा सामान अपना रख लोगे। नीचे भी ऑलरेडी अपने छोटे दो एक बैग तो रखे जाएंगे और यहाँ पर तो बढ़िया 3-4 बैग रखा जाएंगे। वैसे 7 सीटर आप इस गाड़ी को यूज़ करोगे तो साथ ही आपको बूट स्पेस भी अपनी अच्छी मिल जाएगी। चलो अब अपन चलते हैं इंटीरियर में और आपको सब कुछ अपना शो करते हैं। सबसे पहले आप डोर ट्रिम देख सकते हो, फुल अपने को बेज कलर में आता है और थोड़ी बहुत आपको इसमें वुडन फिनिश भी अपने को देखने को मिल जाती है ग्रे कलर में। और आपको ओआरयू में अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों आप यहाँ से अपने कर सकते हो। बाकी अपना सेंट्रल लॉकिंग का बटन है, विंडो लॉक का बटन है, पावर विंडो के बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको बोतल होल्डर, कुछ स्पेस और स्पीकर आ जाता है, 6 स्पीकर आपको गाड़ी में अपने आ जाते हैं। और आपको इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मैनुअली आप कर सकते हो, रिक्लाइन वगैरह तो अपन सब कर ही सकते हैं। बाकी सीट कवर भी इसमें एसरीज में अपने लगाए गए हैं, बाकी बेज कलर में अपने को फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में इसमें अपनी सीट्स आ जाती है। सो गाइस ZX-i का इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड का अपना लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बढ़िया 3 कलर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, 1, 2, 3। यहाँ पर भी आपको बढ़िया वुडन फिनिश अपनी दे रखी है स्टार्टिंग से लेकर पूरी एंड तक। स्टीयरिंग व्हील आप देखोगे तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग अपने को आ जाती है। बाकी इसमें कवर तो अपना एसरीज में लगाया गया है, ये भी आप साथ में अपना लगवा लेना। और बाकी अपने वॉल्यूम कंट्रोल्स अपने दे रखे हैं, नीचे टेलीमेटिक कंट्रोल्स है। और स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट तो अपने को सिर्फ अपना टिल्टी मिलता है, बाकी टेलीस्कोपिक तो अपने को नहीं मिलता है। और बाकी ऐसा कुछ अपना क्लस्टर आ जाता है, अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखो एनालॉग मीटर अपने को आ जाते हैं, बीच में अपनी MID भी दे रखी है, तो आपको इसमें सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अपनी मिल ही जाएगी। आप देखोगे तो आपको बढ़िया इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी अपना मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का बटन है, हेडलैम्प लेवल अपना दे रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत स्पेस आपको अपनी दे रखी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बढ़िया डेट पेडल भी दे रखा है, ये भी अच्छी बात है। और क्लच भी इसका अपना बढ़िया लाइट ही है। और 5 गियर आपने को इसमें आ जाते हैं, तो गियर शिफ्टिंग भी आपकी बढ़िया अपनी स्मूथी रहने वाली है। और ये अपना हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर दे रखी है। और क्या बात है, ऑटोमेटिक एसी भी आपको इसमें आ जाता है। जहाँ बात कूलिंग वगैरह की जाती है तो मारुति की सारी गाड़ियों में कूलिंग काफ़ी अच्छी है, और फैन स्पीड भी आपको गजब की अपनी मिल जाती है। नीचे आप देखोगे तो अपना 12 वोल्ट का सॉकेट है और साथ ही में USB पोर्ट भी अपना दे रखा है। इधर अपना हेजर्ड लाइट का बटन है, बाकी तो सारे अपने एसी वेंट्स दे रखे हैं। और ऊपर भी अपन थोड़ा नज़र देख लेते हैं, तो यहाँ पर टिकट होल्डर है, और ये अपना IRVM मैनुअली एडजस्ट आपको इसमें अपना करना पड़ेगा। और ये अपनी केबिन लाइट हेलोजन में, और इधर आप देखोगे तो विनिटी मिरर भी आपको साथ में मिल जाता है। और इसमें अपने को थोड़ी बहुत स्पेस भी अपने को ग्लव बॉक्स में देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ से आप देखोगे तो बोनट देखो अपने को बहुत ही कम अपना विजिबल रहता है। और अपन सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं अपने स्पेस और कंफर्ट की, तो कोई स्पेस तो गाड़ी में बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खुला खुला बस अपने को केबिन लगता है तो इस मामले में तो बढ़िया है। और कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मेरी हाइट देखो अपनी 5'9" के आसपास है, तो ये देखो थाई सपोर्ट कितना अपना अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से मैं बैठा हूँ। और सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, तो लॉन्ग ड्राइव में भी आपके लिए गाड़ी अपनी कंफर्टेबल रहने वाली, ज़्यादा आपको इसी थकान महसूस नहीं होगी। ये गाड़ी अपनी जितनी माइलेज के लिए जानी जाती है उससे कहीं ज़्यादा इसके कंफर्ट के लिए भी जानी जाती है। चलो फ्रंट रो में तो बढ़िया स्पेस है ही सही, अपन फाइनली सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ पर अपन देखते हैं। सबसे पहले जो ना अपने पूरी सीट अपनी पीछे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लेगरूम हम लोग कितना मिलता है। इस गर्मी तो अच्छी खासी है, अप्रैल में बताओ कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप आ रही है, तो बहुत खतरनाक मज़ा आ रहा है। बाकी आप देखो पूरी पीछे कर लिए फिर भी यहाँ पर टच तो हो रहे हैं मेरे पैर, बाकी अगर आपके हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे फिर तो बढ़िया अपना लेगरूम में अपना मिल जाता है। और थाई सपोर्ट भी अपना ठीक है, 3 लोग तो देखो अपने बढ़िया आराम से बैठने वाले हैं, और एडजस्ट होकर तो 4 लोग भी अपने बैठ जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि बीच में ना ऐसा हम्प नहीं दे रखा है, तो बीच वाले को बैठने में तो अपना कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ भी आपको एक अपना USB पोर्ट वगैरह सब मिल जाता है। और आहा, पर आप देखो मस्त यहाँ से मस्त ठंडी ठंडी आपको हवा आती रहेगी। 4 AC vents आपको अपने रूफ में दे रखे हैं, यहाँ से भी अपनी फैन स्पीड अपनी कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ की मुझे सबसे बढ़िया बात ये भी लगी कि मस्त सीट अपनी रिक्लाइन हो जाती है, अगर अपना पीछे कोई नहीं बैठा ना तो अच्छी खासी अपनी सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, तो ये भी बढ़िया बात है। ज़्यादा अपन इसकी तारीफ ही तारीफ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ कमी तो आप इस गाड़ी में अपना निकाल नहीं सकते हो, बस बिल्ड क्वालिटी के लेके ही अपन सारे ट्रोल करते हैं, बाकी तो यार गाड़ी एक नंबर है। सेकेंड रो का भी कम्फर्ट मैंने आपको बता दिया, अपन चलते हैं भाई थर्ड रो में, वहाँ देखते हैं कैसा कंफर्ट है, क्या बच्चे बैठ पाएंगे या फिर मेरे जैसे या फिर थोड़े बड़े भी बैठ पाएंगे, चलो देखते हैं। थर्ड रो में गई जाने के लिए आपको बस ये इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी है इसको आगे करके, ये फोल्ड करके, और आपको यहाँ नीचे से अपनी आगे खिसकानी रहती है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत तो आपको अंदर बाहर जाने में अपना होगा नहीं। अब ये मैंने सीट तो आगे की बहुत अपनी वो रिक्लाइन कर दी थी, तो इसको थोड़ी आगे करते हैं। देखो और मतलब इतना लेगरूम बच रहा है यार, फिर तो अच्छी बात है। बाकी थाई सपोर्ट तो आपको यहाँ पर क्या ही मिलेगा, पर ये बात तो है कि मैं मतलब यहाँ पर बैठ तो गया हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे अपना दबा दबा तो फील नहीं हो रहा है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ भी अपने को दे रखे हैं, और ये सीट तो देखो अपनी रिक्लाइन नहीं होती है, ये तो जाती पर ये तो नहीं होती है, तो ऐसा कुछ दबा दबा तो फील नहीं लग रहा है। ये हेडरूम भी आप देखो अपना सफिशियंट है, तो यहाँ पर मैं अपना बैठ तो सकता हूँ, अच्छा लंबा समय भी
ये तो कर लूँगा, और बाकी बच्चों को तो कुछ अपने दिक्कत आएगी नहीं। बाकी एडल्ट भी अपने देखो बढ़िया बैठ जाते हैं, बच्चे तो अपने 3 बैठ जाएंगे और 2 एडल्ट भी अपने बढ़िया यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे। तो इधर 7 सीटर भी ये गाड़ी को अपन अच्छे तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, और साथ में आपको बूट स्पेस तो अच्छी मिल जाती है, और अगर अपन 3rd रो की सीट्स फोल्ड कर लें फिर तो क्या ही तगड़ी बूट स्पेस अपने को मिल जाती है, तो वहाँ तो कुछ अपना इशू है ही नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बाहर से बताया था कि इसके ग्लास कितने अपने बड़े हैं, तो ये आप देखो बढ़िया खुला खुला सा केबिन अपने को लगता है, क्वार्टर ग्लास ही आप देखो कितना अपना बड़ा है, तो मस्त यहाँ पर बैठ के आप नज़ारे भी देख सकते हो। तो गाइस यही था ZX5 वेरिएंट, और आपको ये गाड़ी कैसी लगती है कॉमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी इसका LXi VXi वेरिएंट भी आप देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से, आप इसमें वेरिएंट देख लेना, सारी अपने बढ़िया है। कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए कैसी का चॉइस होने वाली है। देखो ऐसी गाड़ी आप ढूंढ रहे थे फैमिली के हिसाब से, अगर आपको प्रॉपर 7 सीटर कार चाहिए ब्लैक कलर में, आपको साथ ही में इतने तगड़े अपने लुक्स मिल जाए, माइलेज, कंफर्ट, लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू, इन सब मालों में गाड़ी एक नंबर रहती है। इसलिए तो आज सालों से इतनी सेल हो रही है, इतना इसका नाम है, इसका कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में है ही नहीं, मिनी इनोवा अपन इसको बोल सकते हैं। एक बार आप भी ये गाड़ी जरूर से विजिट करके देखना, इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह सब कुछ लेकर देख लेना। बाकी वीडियो गाइस अपन यहाँ पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक से कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब नहीं करो तो मजा से नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट चैनल गाइस सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।